नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारतीय संविधान की रचना करने वाले और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परपौत्र प्रकाश राव अंबेडकर ने अहमदाबाद के वार्ड नंबर 21 और दरियापुर इलाके से उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसी कड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी की ओर से दरियापुर इलाके में जनसभा का आयोजन किया गया। वहीं इस जनसभा में वंचित बहुजन आघाड़ी ने मध्य प्रदेश के प्रमुख सलाहकार विजय सिंह यादव के साथ न्यूज वन इंडिया की टीम ने नगर निगम चुनाव को लेकर खास बातचीत की। देखिए, मैं अभी जो वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी है उनकी एक संबोधित सभा में आया हुआ हूँ, और मेरे साथ जो विजय सिंह यादव जी है जो मध्य प्रदेश के प्रमुख भी है और सलाहकार है, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनसे काफी सारी बातें करेंगे। सर जी, न्यूज वन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपकी जो पार्टी है उनके प्रत्याशी जो कैंडिडेट है वो अहमदाबाद में एक ऐसे इलाके से खड़े किए गए हैं कि जहां पे कांग्रेस और बीजेपी की काफी कांटे की टक्कर चल रही है, इस कांटे की टक्कर में किस प्रकार के आपके कैंडिडेट इस चुनाव को जीतेंगे, क्या माहौल बनाएंगे, आप बताना चाहेंगे? देखिए, कांटे की टक्कर जहां तक सवाल है तो हमारी तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से टक्कर है। अब हम कैसे जीतेंगे, तो इन पार्टियों पे वोट भी तो हमारे दलित और मुस्लिमों का ही है। उस वोट को ये किस तरीके से हमारे से ले जाते हैं, उसमें अगर हम सेंध लगाते हैं तो हमारी पार्टी हर जगह जीत सकती है। केवल वार्ड नंबर 21 से ही नहीं है, वो तो जो ना पूरे जो ना अहमदाबाद में भी जीत सकती है। लेकिन हमारे लोगों को जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर जी ने जो आह्वान किया है और बाबा साहब के जो विचारों को लेकर के जो उनके वंश ने इस प्रदेश में इस देश में ये कसम खाई है कि मुझे वंचित बहुजन जो है ना मतलब के लोगों के बीच में काम करना है, और इनको जो है ना जिन बड़ी पार्टियों ने जो एक तरीके से पूरी तरीके से जो अपने कैप्चर्ड करके गुरवी रख के रखा हुआ है उनको उस माहौल से बाहर निकालना है, ये हमारी पार्टी का पहला उद्देश्य है। जिस प्रकार से माना जाए जो ये पार्टी है बाबा साहेब अंबेडकर के पौपुत्र प्रकाश राव अंबेडकर ने पूरा खड़ा किया हुआ है, उनके ही पार्टी से आज एक कैंडिडेट अहमदाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, काफी उनकी जो साफ सुथरी छवि है, सेवा भाव की छवि है उनकी, और काफी सेवाओं में लगातार करते आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आपने चुनाव में उनको खड़ा किया है कि फिर सीरियसली कैंडिडेट के हिसाब से? देखिए, हमने दोनों चीजों को लिया है, सीरियसली भी लिया है। हमारे मंसूरी साहब बहुत ही जो ना योग्य व्यक्ति हैं, और उनका जो ना सभी प्रकार के लोगों में वो जाति धर्म से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं। उन्होंने प्राणियों के लिए काम किया है, उन्होंने कोरोना के जो ना मतलब जो मजबूर लोग थे उनके लिए काम किया है, उन्होंने जो हॉस्पिटलाइजेशन जहाँ कहीं भी ब्लड डोनेशन की बात आई है उसमें काम किया है। वे पार्टी के जो ना कैंडिडेट हमने इसलिए बनाए हैं कि उनका जो ना हमारे जो ना इस वार्ड नंबर 21 में केवल ये नहीं है कि जो ना केवल मुसलमान हैं या दलित हैं, सभी प्रकार के हमारे भाई हैं, सभी बहन भाइयों में उनका जाति सूचक बात से संबंध नहीं है, उनका जो सामाजिक स्थान है उस स्थान से हमने इनको कैंडिडेट बनाया है। जिस प्रकार से ये तो नगर चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, आगे अभी 2022 समथिंग विधानसभा भी आएगा, तो क्या ये पूरी तैयारियां जो नगर पालिका से पूरी तैयारियां क्या विधानसभा में भी आपके कैंडिडेट खड़े करने की है? जी हाँ, बिल्कुल है। यदि हमको अभी नगर निगम में जो कुछ भी मतलब होता है, हमने मध्य प्रदेश में भी अभी जो 28 सीट के चुनाव हुए थे उसमें हमने 5 कैंडिडेट्स खड़े किए थे जो ना, और वे अच्छे वोट लेकर के आए थे, जीते नहीं। इसी प्रकार से हम नगर निगम में भी जो खड़ा कर रहे हैं, तो ये बात नहीं है कि हम केवल एक वार्ड से हमारी जो स्थिति को हम बढ़ा रहे हैं पूरे गुजरात में, तो आगे चल के हम विधानसभा में भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और ये हमने जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय प्रकाश अंबेडकर जी ने हमारे से बैठ करके जो चर्चा हुई है उसमें हम करना चाहते हैं। अभी हम मध्य प्रदेश में भी वंचित बहुजन आघाड़ी के जो है कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, आने वाले समय में नगर निगम का चुनाव होगा उसमें जो है ना क्या जनता के बीच में जाके चुनाव जीत जाते हैं तो जनता की किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करेंगे? देखिए, अगर हम जनता से जो ना चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले तो जो हमारी नगर निगम की और गुजरात गवर्नमेंट की जो भी शासकीय योजना है
उन योजनाओं का अपने वार्ड में और अपने इंदौर अहमदाबाद शहर में अमल कराने का काम करेंगे। ये हमारे कैंडिडेट का कार्य करने का सबसे पहला उद्देश्य होगा। क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे भारतवर्ष को? भारतवर्ष को तो हमारा जो मैसेज है, जो हमारे बाबा साहब देकर के गए हैं, कि भारत में जो राज्य होना चाहिए वो धर्मनिरपेक्ष राज और जाति विहीन राज हो। तो बाबा साहब का जो उद्देश्य था, जो बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान को हमको भारत में किस तरीके से अमल कराना है। इस वक्त के समय में भारत का संविधान खतरे में है, ऐसा जिस प्रकार से जो है ना धर्म खतरे में, ये खतरे में है। तो इस वक्त तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारत का संविधान खतरे में है और उसको हमको बचाना है, क्योंकि भारत के संविधान के मुताबिक हमारे देश में अब कई ऐसे कार्य होने लगे हैं जो संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक तरीके से होते हैं। जी हाँ, तो ये थे विजय सिंह यादव जी, और काफ़ी अच्छी सराहनीय बातें उन्होंने बताई और पार्टी के लिए काफ़ी सराहनीय बात की। मैं प्रणोसी राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गुजरात।